नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस ने मूसाबनी में छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य शेख मुर्शिद उर्फ शेख अनवर को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। बिष्टुपुर थाना में जनवरी माह में एक बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि पुलिस ने उस वक्त छानबीन कर एक युवक को चोरी की बाइक के साथ पश्चिम बंगाल के वर्तमान जिले से गिरफ्तार किया था। उस वक्त पूछताछ में शेख मुर्शिद का नाम सामने आया था। पुलिस को तब से ही मुर्शिद की तलाश थी। पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि बाइक को चोरी के बाद उसे ठिकाना लगाया जाता है, साथ ही चोरी की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक खोजे जाते हैं। चोरी की बाइक को आने पौने दाम में बेच दिया जाता है। मुर्शिद उर्फ शेख अनवर, ये मूसाबनी से गिरफ्तारी रात में की गई है। ये अपना दोष स्वीकार किए हैं कि हमने चोरी किए हैं और दो गाड़ी उनके ये पर बरामद की गई। जमशेदपुर के बागबड़ा गाड़ावासा निवासी रंजीत साहू उर्फ झाजी को बिष्टुपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे गाड़ावासा स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया। पुलिस को शराब की खरीद बिक्री के पुराने मामले में रंजीत की तलाश थी। उसके खिलाफ जुलाई माह में बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। एसएसपी की अनुशंसा पर उपायुक्त ने जनवरी में ही उसे तड़ीपार का आदेश दिया हुआ था। 30 नवंबर को यह आदेश खत्म होने वाला था। आगामी 9 नवंबर को उसे उपायुक्त कार्यालय में बॉन्ड भरने के लिए उपस्थिति होना था। वह उनके पिता की तबीयत भी खराब थी, इसी बात को लेकर वह अपने घर आए हुए थे। इधर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रंजीत घर आए हुए हैं, जिसके बाद बिष्टुपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रंजीत के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। रविवार को उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी इसकी हुई अपने घर से, वहाँ आपराधिक इसके मर्डर भी हैं, इसके ऊपर हैं। उसके बाद दीवा वगैरह खिलाने का भी, दीवा किंग के नाम से भी जाना जाता है ऐसे ही वहाँ पर। उसके बाद में यहाँ NDPS एक्ट में ये वांछित था हम लोग के यहाँ। उसके पहले 25 जुलाई को एक केस यहाँ हुआ था, जिसमें कि गांजा और शराब इत्यादि की बरामदगी हुई थी, जिसमें इनके द्वारा और जो रंजीत साहू के द्वारा सप्लाई करने की बात आई थी। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित काली मंदिर के निकट उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक पंचर दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं पास अटे काली मंदिर को भी आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही वीर कुंवर सिंह चौक स्थित खड़ी PCR की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में पंचर दुकान में रखे सारे टायर जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार किसी असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ भी नहीं बचा, सब आग से क्षतिग्रस्त हो गया। टायर सब जल गया, चदरा वगैरह जल गया। काली मंदिर का भी आगे का पोर्शन जो है पूरी क्षतिग्रस्त। जान माल का कुछ नुकसान हुआ? जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना अंतर्गत खास महल मछली मार्केट के नजदीक सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। खास महल निवासी बुजुर्ग वीरेन्द्र सिंह अपनी स्कूटी से खास महल होते अपने घर जा रहे थे, जहां उल्टी दिशा से आ रहे बुलेट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और चालक घटनास्थल से फरार हो गए, जहां घायल बुजुर्ग को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। वहीं चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक भांपते हुए घायल बुजुर्ग को टाटा मेन अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही बागबड़ा पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और बुजुर्ग के परिजनों को घटना के संबंध में सूचना दी और पुलिस वाहन चालक की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पता किए तो पता चला कि बुलेट और स्कूटी में धक्का लग गया था, जिसमें एक आदमी को चोट लगा है, वो हॉस्पिटल गया है। हम भी आए हॉस्पिटल उसको देखने के लिए, तो उसको चोट लगा है और एक पैर, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि पैर फ्रैक्चर है, उसको रेफर कर दिए हैं TMH। इनका नाम है वीरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 55-56 साल है, यही खास महल के रहने वाले हैं। सरकार के आदेश के बाद रविवार से अंतर्राज्य यात्री बसों का परिचालन शुरू हुआ। वहीं बसों के परिचालन शुरू होते ही जमशेदपुर के मांगो बस टर्मिनल में यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। खासकर बिहार जाने वाले यात्री काफी खुश नजर आए। यात्रा करने वाले ज्यादातर यात्री छठ और दीपावली मनाने बिहार जा रहे हैं। वहीं ऐसे भी यात्री मिले जो पिछले 8 महीने से लॉकडाउन के कारण शहर में फंसे हुए थे। राज्य सरकार के फैसले का यात्रियों ने स्वागत किया। हालांकि कोविड से बचाव को लेकर यात्री जागरूक नजर नहीं आए। सभी के चेहरे पर अपने गांव जाने की खुशियां साफ झलक रही थी। मैं 9 महीने बाद जा रहा हूँ, मार्च का ही आया हूँ, 14 मार्च। उसके बाद लॉकडाउन में गया नहीं। बहुत खुशी की बात है, हम लोग इंतजार कर रहे थे बस का, रोज पेपर न्यूज देखते थे। कहाँ जा रहे हैं? जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने 15 नवंबर से 23 दिसंबर तक अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा कार्यक्रम चलाने की घोषणा की। इसके पीछे उन्होंने जनता से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जानकर अगले एक साल के लिए विकास का खाका तैयार करना बताया।
और 23 तारीख को हम लोग को एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसका स्वरूप क्या होगा अपनी बैठकों में तय करके लोग बताएंगे। तो 23 तारीख का कार्यक्रम हमारा विकेंद्रित हो, एक साथ केंद्रित हो, ये उसका निर्णय ये सभी लोग मिलकर करेंगे। इसके लिए पूरे विधानसभा स्तर पर एक प्रबंधन समिति बन जाएगी और हर मंडल के स्तर पर भी एक प्रबंधन समिति बन जाएगी। ये अभी हम लोगों ने इस बैठक में निर्णय किया। आज बागुन हाथू से लेके बारीडी के इलाके में करीब 5 छठ घाटों का भ्रमण हम लोगों ने किया है। उपायुक्त से भी बात हुई है। उपायुक्त के मन में दुविधा है और हम लोगों के मन में दुविधा है कि छठ पर्व का क्या प्रोटोकॉल निकालेगा प्रशासन, हम दिवाली कैसे मनाएं, छठ कैसे मनाएं। तो इस बारे में मैंने झारखंड सरकार में भी जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं आपदा प्रबंधन के, उनसे बात किया। संभवतः कल वे लोग बैठकर इस बारे में निर्णय लेंगे। आज मानगो जमशेदपुर में मंडली सदस्य श्री आशुतोष कुमार अपने 8 साल के इकलौते पुत्र देव कृष्णा आशुतोष के इलाज हेतु आर्थिक मदद के लिए मंडली के समक्ष गुहार लगाई। श्री आशुतोष जी चाणकपुरी कॉलोनी ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो के निवासी है। श्री आशुतोष जी इस मंडली के कोषाध्यक्ष श्री अंकित शुभम जी के माध्यम से मंडली तक पहुंचे थे। ज्ञात हो कि श्री आशुतोष जी आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए हैं और उन्होंने अपने बच्चे के इलाज के खर्च हेतु हर सरकारी महकमे में गुहार लगाई पर निराशा ही हाथ लगी। देव कृष्णा आशुतोष की उम्र जब 2.5 साल की थी तब वो छत से गिरे, माथे पर चोट लगा, तब हल्का इलाज पर ठीक हुए, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो छत से गिरने का प्रतिफल दिखने लगा। देव कृष्णा बोलने में अक्षम होने लगे और शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की बीमारी का शिकार हुए। आज उन्हें 5 लाख की जरूरत थी तो मंडली को जब मामले की जानकारी लगी तो पूरे 1 महीने अपने 580 मेंबर्स के बीच मुहिम चलाकर अपने मंडली पुत्र मास्टर देव कृष्णा आशुतोष के लिए 1,52,000 रुपया इकट्ठा कर एक नया इतिहास रच दिया, वह भी इस कोरोना काल में। नमस्कार, हम लोग श्री सनदेव भक्त मंडली ट्रस्ट से हैं। आज हम लोग अपना जो नित्य कार्य हम लोग करते हैं, जो असाधारण से पीड़ित पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको अपने मेंबर्स के बीच हर महीना चंदा करके हम लोग मदद करते हैं। इसी तर्ज पे आज देव कृष्णा आशुतोष का जो बच्चा है ब्रेन इंजरी से पीड़ित है, इसका इलाज कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई में चल रहा है। इलाज का काफ़ी खर्च है। उनके पिता द्वारा 1 महीना पहले मंडली का और निवेदन रखा गया था, जबकि पूरे 1 महीना जद्दोजहद करने के बाद पूरा 1,52,000 रुपये आज तक का जो हमारा सर्वाधिक डोनेशन है, इनको आज हमने सपोर्ट किया ताकि बच्चा स्वस्थ हो और अपना आगे का जिंदगी बढ़िया से जी सके। छत से गिर गया था, तो सर में चोट लगी थी, न्यूरो इंजुरी है जिसके कारण मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो गया। मैं श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट के परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, बस यही हमें चाहिए। हमने बहुत जगह गुहार लगाई, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, हर जगह गुहार लगाई, कहीं से किसी से, सरकार से या प्रशासन से हमें किसी प्रकार की बच्चे के इलाज में कोई सहायता नहीं मिली। जो मिला बस 2-4 लोगों ने, जो जान पहचान के लोगों ने किया, सहयोग किया। बाकी जो है, मैं श्री शनिदेव भक्त मंडली परिवार जो ट्रस्ट है, इनका दिल से मैं, मेरी पत्नी आभारी हूँ। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जनकल्याण संगठन साथ ही नई उड़ान सामाजिक संस्था के द्वारा वैश्विक महामारी को देखते हुए जुगसलाई स्थित आरती पटेल स्कूल परिसर में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, जहां सैकड़ों स्थानीय लोगों ने अपनी शारीरिक जांच करवाई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक कुणाल सारंगी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद थे। बता दें कि लगातार राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जनकल्याण संगठन और नई उड़ान सामाजिक संस्था के द्वारा समय समय पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि इस वैश्विक महामारी में मानव सेवा किया जा सके। इसी क्रम में पटेल स्कूल परिसर में 10 सदस्य चिकित्सकों की टीम ने निःशुल्क लोगों की शारीरिक जाँच की। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण काल ने हम सभी को एक चीज सिखाई है कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ऐसे समय में जब सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्वास्थ्य आधारभूत संरचनाओं पर इतना ज़्यादा दबाव है, क्योंकि कोरोना के अलावा भी कई तरह की अन्य बीमारियाँ हैं जिसकी चिकित्सा की आवश्यकता है, ऐसे समय में आज निजी सामाजिक संगठन जो भूमिका निभा रहे हैं वो सराहनीय है और कहीं ना कहीं इसका विस्तार होना चाहिए।
भौगोलिक रूप से भी और अन्य संगठनों को भी इस तरह की जिम्मेदारी निभाई चाहिए, ताकि जो सरकारी व्यवस्था है और जो जनता की आशा आकांक्षा है उसके बीच की जो खाई है उसे पाटा जा सके। और मैं दोनों संगठन, नई उड़ान और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन सर्वांगीण कल्याण संगठन, इनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष चाइनीज वस्तुओं का आयात कम हुआ है, जिससे फायदा स्थानीय कुम्हारों, कलाकारों, विक्रेताओं को हो रहा है। लोग स्थानीय मिट्टी के दिए, मूर्ति, सजावट की सामग्री आदि खरीदते देखे जा रहे हैं। दिवाली की खरीदारी करते हुए आज पार्क मार्केट हीरापुर में काफी भीड़ देखा गया। दिवाली में स्वदेशी सामग्रियों को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राहकों से उनकी राय जानने की कोशिश की। मिट्टी का दिया खरीदने आए, इस बार सोच रहे हैं इंडिया का ही बनाए हुआ लेंगे, इससे उमर लोग जो है उसका भी, गरीब लोग का भी पैसा बचेगा। हम चाइना का कोई भी सामान इस बार नहीं इस्तेमाल कर रहे, बॉयकॉट कर रहे चाइना एकदम से। इंडियन कल्चर है, जैसे पहले क्या हो रहा था कि चाइनीज सामान सस्ता और बेकार और एनवायरमेंट को भी पल्यूट करता था, तो सबका ध्यान उसी पे रहता। लेकिन इस बार हम लोग सबको दिल से स्वदेशी सारा सामान को अपना रहे हम लोग। मिट्टी का दिया जो कि बहुत अच्छा होता है और जिसका डिस्पोजेबल क्या होता है, वो मिट्टी जहाँ से ये बना फिर उसमें वो मिल भी जाता है। मिट्टी के दिया खरीदेंगे हम लोग, दिवाली में दिवाली मनाएंगे, चाइनीज का नहीं खरीदेंगे, चाइनीज का लाइट नहीं करेंगे हम लोग। दिवाली बहुत अच्छा, मिट्टी से दिवाली मनाएंगे।